तो गाइस नए क्रेडिट कार्ड होल्डर के माइंड में बिलिंग साइकिल पीरियड से लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिल डेट क्या होती हैं, ड्यू डेट क्या होती हैं, अनबिल्ड अमाउंट हमारा ज़्यादा कैसे शो कर रहे हैं। अधिकतर नए कार्ड होल्डर तो ये देखकर ही परेशान रहते हैं कि हमारा अनबिल्ड अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों बता रहा है, जबकि हमने इतना खर्च ही नहीं किया है। तो पूरा जो भी डिटेल है वो आपको मैं लाइव बताता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें हमारे क्रेडिट कार्ड की बिल डेट पता होनी ज़रूरी है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड से कोई भी स्पेंड करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो हमारा बिल एक जनरेट होता है, स्टेटमेंट जनरेट होता है। वो स्टेटमेंट हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर सेंड किया जाता है क्रेडिट कार्ड की तरफ से, तो उसमें हमारी बिल डेट मेंशन रहती है। तो सबसे पहले आप पता लगाइए, अगर आपके पास नया क्रेडिट कार्ड है तो आपकी बिल डेट का आप पता लगाएं। गाइस अगर आपके पास HDFC बैंक का नया क्रेडिट कार्ड है, आपको नया क्रेडिट कार्ड मिला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा बिलिंग साइकिल से रिलेटेड। HDFC कार्ड का स्टेटमेंट डेट देखने के लिए आपको आस्क ईवा का जो एक ऑप्शंस मिलता है, सबसे बेस्ट ऑप्शंस है HDFC का ये, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रेडिट कार्ड बिल डेट और आपको सेंड करना है अपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके क्रेडिट कार्ड में जो आपने दिए हुए हैं, उसको यहाँ पे टाइप करना है और आपको वापस से सेंड करना है। जब आप सेंड करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा 4 डिजिट का, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्रोवाइड आपको किया जाएगा। OTP टाइप करने के बाद आपको वापस सेंड करना है, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर कर लेता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेटमेंट डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं लास्ट स्टेटमेंट डेट 20 सितंबर 2021। लास्ट स्टेटमेंट डेट में जो भी आपको डेट प्रोवाइड की जाएगी वो आपके क्रेडिट कार्ड की बिल डेट है, यानी कि इस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे यहाँ पे 20 तारीख है क्रेडिट कार्ड की बिल जनरेट होने की, तो जब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 20 तारीख को जनरेट होगा तो मुझे इस बिल को 20 दिन बाद पे करना है, यानी कि मेरी बिल ड्यू डेट होगी वो 10 या फिर 11 तारीख होगी। तो बिल डेट का पता लगाने के बाद आपको HDFC बैंक नेट बैंकिंग लॉगिन करनी है। HDFC नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शंस पर विजिट करना है। यहाँ पर आपका एक्टिव क्रेडिट कार्ड शो होगा और जो भी आपका एक्टिव क्रेडिट कार्ड शो होगा यहाँ पर आपको टोटल अनबिल्ड अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लगभग 71,000 के करीब अनबिल्ड अमाउंट बता रहा है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा इतना अमाउंट मैंने सिर्फ डेबिट किया है, टोटली मैंने कोई स्पेंड नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अनबिल्ड अमाउंट में सिर्फ डेबिट ट्रांजैक्शन ही शो करते हैं, लेकिन जब आपका बिल जनरेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाता है और आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी बैलेंस का आपके बिल जनरेट होता है। आपका जो भी बिल जनरेट होगा, आपका जो भी ड्यू अमाउंट है, जितना भी आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया है अपने प्रीवियस में, वो स्टेटमेंट बैलेंस में फंड शो करेगा, तो इसको हमें ड्यू डेट पर पे करना रहता है। जस्ट इसके बाद होता है एक मिनिमम ड्यू अमाउंट। जब आपका बिल जनरेट होता है, जिस डेट को आपका बिल जनरेट होगा उस स्टेटमेंट में मिनिमम ड्यू करके भी एक अमाउंट शो रहता है। वो अमाउंट आपको मिनिमम ड्यू यानी कि मिनिमम आप इतना पैसा पे कर सकते हैं, आपको फुल अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी आपको मिनिमम ड्यू बिल पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि मिनिमम ड्यू करने पर आपको अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 42% का पर एनुअल इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू बिल पेमेंट नहीं करें। अगर आपके पास किसी दिन फंड अवेलेबल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ही आप मिनिमम ड्यू को पे करें। जब भी आपके पास में फंड अवेलेबल हो, आपके पास पैसा आ जाए अपने पास, तो आप क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको पे करें। सबसे ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड में ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड को सही मायने में अगर यूज नहीं करेंगे
तो हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना काफी महंगा पड़ सकता है। हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट अगर 20 तारीख है तो अगर हम परचेस 21 तारीख को करते हैं तो हमें टोटल 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। लेकिन अगर हम कोई परचेस 19 तारीख को कर लेंगे तो हमारा बिल तो 20 तारीख को जनरेट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन का टाइम मिला और 20 दिन का वो हमारा टाइम जो बिल पेड करने का होता है वो, तो टोटल हमें 20 दिन का ही टाइम मिलता है। तो अगर मैं 21 जनवरी को कोई भी परचेस करता हूँ तो मेरा बिल जनरेट होगा वो 20 फरवरी को होगा। 20 फरवरी को बिल जनरेट होगा, उसके बाद हमें 20 डेज का और टाइम मिलता है। तो मुझे ये पेमेंट 10 मार्च को करना होगा जो मेरी ड्यू डेट है। तो टोटल यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 30 + 20 50 डेज बनते हैं। तो गाइस जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करें तो ड्यू डेट के बाद आपको स्पेंड करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल सके। तो गाइस उम्मीद है आपको क्रेडिट कार्ड का बिलिंग पीरियड बिलिंग साइकिल समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।